ये जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह जी के नेतृत्व में सभी जमशेदपुर के लोग, आसपास के लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने कैबिनेट में पास किया है कि जो हमारी श्री हजूर साहब नांदेड़ साहब अचल नगर गुरुद्वारा है वहाँ पर 12 सदस्य जो है सरकार नॉमिनेट करेगी। और उसमें आपको ये भी जानकारी देंगे कि पहले से दो गुरुद्वारा कमेटी, जो श्रोमणी कमेटी है उसके दो सदस्य हैं, इसके अलावा तीन वहाँ पे नांदेड़ के आसपास के जो लोकल क्षेत्र है वहाँ पे लोग मतदान के द्वारा तीन कैंडिडेट चुनते हैं, तीन वो हुए, दो हुए पाँच और इनके हुए 12। तो जब 12 सदस्य वो अपना नॉमिनेट करेंगे तो वो दूसरे लोगों को लाएंगे, अपने जो उनके सपोर्टर हैं उनको लाएंगे, और वो बहुमत के आधार पर हम लोग के हर काम में दखल अंदाजी करेंगे। तो ये हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं होना देना चाहते हैं। 1956 में हम लोग का जो संविधान बना है उस संविधान में अगर संशोधन करेंगे तो वहाँ के सिख करेंगे, केंद्र सरकार या झारखंड सरकार या सॉरी महाराष्ट्र सरकार वो कौन होती है कि वो हम लोग का उसमें हस्तक्षेप करे। हम लोग का संविधान है, हम लोग अपना जो भी करें, जो जाए वो करेंगे, देश हित में जो वो करेंगे, कि आप जबरदस्ती जो है ला दिएगा तो यह किसी कीमत पर नहीं। इससे हम लोग जताना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार को, जो क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, कि आप अपने आप को बदल लें, नहीं तो ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी। ये लड़ाई बरसात आपने देखा होगा किसान आंदोलन में लास्ट क्या हुआ, ये आंदोलन भी उसी प्रकार का रूप लेने वाला है। और आपको हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि हमारे धार्मिक मामलों में अगर कोई दखल अंदाजी करता है उन पर कार्रवाई किया जाए, और अगर उनकी भी संलिप्तता है तो हम लोग अनुरोध करेंगे कि प्लीज हम लोग के धार्मिक मामलों में आप हस्तक्षेप ना करें। और हम लोग ज्ञापन जो है एक DC साहब को हम लोग सौंपने जा रहे हैं, जो इनके माध्यम से है एकनाथ शिंदे जी को दे रहे हैं, साथ में हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और झारखंड के हमारे माननीय चंपाई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोग एक एक कॉपी देने जा रहे हैं।